केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन मामले में किए गए कानूनी संशोधन के विरोध में ट्रक चालकों ने आज चैतड़ू में प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य पंकू कांगड़िया ने भी चालकों का समर्थन किया। तो सभी ड्राइवर सड़कों में होगी, जब सड़कों में होगी तो अर्थव्यवस्था सरकार की खराब होगी, तो 70% सरकार की क्या अर्थव्यवस्था तो आपकी होगी। क्या नाम है आपका? भूपिंदर सिंह। क्या है आप ट्रक यूनियन के? क्या है सचिव? सचिव आ गया। हाँ। तो आज जो ये भीड़ इकट्ठी हुई है तो क्या रीजन है, क्या किस किन मांगों? ये जो नितिन गडकरी जी ने काला कानून बनाया हुआ है हिट एंड रन वाला, ठीक है, इसे वापस लिया जाए, क्योंकि ड्राइवरों की तनख्वाह जो है 5-6-7-8 हज़ार से ऊपर किसी की है, ड्राइवर की तनख्वाह नहीं है। कानून क्या बोलता है जो अभी कानून बना, क्या कानून क्या बोलता है? कानून ये बोलता है कि 7 लाख जुर्माने का प्रावधान है और 10 साल की सजा, तो 7 लाख कहाँ से इकट्ठा करेगा? लेकिन क्या ये जो कानून है क्या सिर्फ ये ट्रक चालकों के लिए बनाए गए या सभी सभी तरह के वाहन चालक? ये तो जब लाइसेंस बन गया ना किसी आदमी का तो वो चालक है, चाहे 2-व्हीलर का चालक है, चाहे 4-व्हीलर का, चाहे 3-व्हीलर का, वो चालक है, उस सभी के ऊपर लागू होगा, ठीक है। तो ये जो कारों वाले सोच रहे हैं या बसों वाले सोच रहे हैं या स्कूल बस वाले सोच रहे हैं कि हमारे लिए नहीं है, आज हम ट्रक ड्राइवर हैं ना, कल को बस वाले भी आएंगे हमारे साथ, 2-व्हीलर वाले भी आएंगे। तो किस तरह देखते हैं कि जो चालकों के ऊपर किस तरह का जो अब इसमें असर पड़ रहा है? तो चालकों का तो आज की दिहाड़ी तो गई, ये मान लो कि जब तक ये संघर्ष चलेगा ये अपनी गाड़ियां खड़ी करके इसी आंदोलन में रहेंगे। तो अभी क्या आपके द्वारा जो आप जो ट्रक चालक हैं आपके द्वारा हड़ताल की गई है? हड़ताल की गई, हड़ताल है ये। आज तो हमने ट्रक यूनियन चैतड़ू की डिमांड रोकी है, ठीक है, हमारे साथ नालागढ़ यूनियन साथ में, गगरेट यूनियन साथ में, अपना नूरपुर यूनियन साथ में, सभी यूनियन हमारे साथ हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरवंश सिंह है जी। तो जिस तरह से जो आज ये ट्रक चालकों ने जो है ये आंदोलन किया है और जो कानून जो बनाया है उसका विरोध कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? इसको हम जो विरोध है भारत सरकार के लिए ठीक है, इसमें कि एक्सीडेंट होने के बाद जो ड्राइवर को पेनल्टी या जेल ये नहीं होनी चाहिए, जो जैसे पहले था वैसे ही होना चाहिए, आगे जो है जो इन्होंने अपना एक कानून मेरा कानून ड्राइवर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ड्राइवर होते हैं गरीब आदमी, गरीब आदमी 4 या 5 हज़ार रुपये की इनको तनख्वाह मिलती है बेचारे, तो इन परिवार पालने हैं कि जब जेल चला जाएगा ड्राइवर तो उसके बाद उसका परिवार का देख रेख कौन करेगा? तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं देखते कि जो कानून बनाया गया है कहीं ना कहीं सड़क पर जो है यातायात नियमों की जो है अवहेलना जो लोग करते हैं, यानी कि अगर हम कहें कि जो लोग ओवर स्पीड करते हैं जिस वजह से दुर्घटनाएं होती है, कहीं ना कहीं उस पर नियम बनाने के लिए उसको कंट्रोल में करने के लिए ये कानून बनाए गए हैं? उसके लिए बनाए गए तो बड़े शहरों में जो आदमी साहबजादे या जो अमीर लोग हैं वही कारों से ये करते हैं, जो प्लेटफार्म ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ अमीरों की गाड़ियां जो है वो जो रात में वही अमीर ही करते हैं जी, ज़्यादातर जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं लग्जरी गाड़ियां हैं और जो रात में शराब का नशा करके जो ड्राइविंग करते हैं वो फुटपाथ पर सोए हुए आदमी के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाती हैं, वो हम अखबारों में पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, किसी के घर में जाके तो कोई एक्सीडेंट करेगा नहीं, जो रोड पर जो गलत चलेगा उसी से आता किसी ने तो। तो पूरा पूरा आप ये कहते हैं कि इस जो ये जो कानून बनाया है उसका आप विरोध करते हैं? हाँ विरोध करते हैं उसका। और अगर कानून को वापस नहीं लिया जाता है तो आपके द्वारा आप ट्रक चालकों द्वारा क्या इसके अलावा जो आगे अलावा तो और क्या कर सकते हैं, ये हड़ताल वगैरह और विरोध ही कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं, गवर्नमेंट के साथ कुछ कर नहीं सकते, जब से तो कर नहीं सकते उसे ना हमारे पास कोई ऐसा ये है, हड़ताल के बगैर तो और गुजारा ही नहीं है। और तो इस समय हमारे साथ मौजूद है जिला परिषद पंकु कांगड़िया, हमारे साथ मौजूद है और जो ट्रक चालकों के समर्थन में यहाँ उतरे हैं, और ज़रूर उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से ये कानून को देखते हैं और इस जो ट्रक चालकों का जो ये विद्रोह चल रहा है उसमें पंकु कांगड़िया का क्या कहना है, क्या कहना है? सर्वप्रथम पहले तो मैं आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन जो ये भारत सरकार के हमारा जो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की तरफ से जो आदेश निकाले गए हैं
पूरे देश की संख्या 140 करोड़ से अबव है, और यदि आंकड़ा देखा जाए तो 70% से लोग ऊपर जो ड्राइवर है, ये नहीं ट्रक यूनियन की समस्या है, हर गाड़ी चलाने वाले जो हमारे ड्राइवर है उनके लिए ये समस्या होने वाली है। जिस प्रकार के ये रूल निकाले गए हैं 7 लाख 10 लाख और 10 साल और 7 साल की सज़ा, इसका हम कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ, मैं भी विरोध करता हूँ, जितने भी ट्रक यूनियन के हमारे ड्राइवर लोग यहाँ पर विराजमान हुए हैं ये सभी भारत सरकार का विरोध कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कुछ लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी के आदेशों के अनुसार हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं नितिन गडकरी जी अपने रूल ज़्यादा निकालते हैं। मैं उनसे अपील करता हूँ, अतिशीघ्र 2024 भी सर के ऊपर है, इस प्रकार के रूल ना निकालें कि कहीं ना कहीं ये ड्राइवर की गाड़ी जो आपकी सरकार के ऊपर चढ़ जाए। तो मैं अपील करता हूँ भारत सरकार से, कृपया करके इन ड्राइवरों की गाड़ी की रफ्तार को इतना मत कर देना कि कहीं सरकार को लेने के देने पड़ जाएँ। इसके चलते हुए अतिशीघ्र इस कानून को वापस ले लें, क्योंकि दो चार दिन के बाद जो ये सभी चक्का जाम हो रहा है, इसमें काफ़ी घाटा सरकार को भी होगा, हम लोगों को भी होगा, और कहीं ना कहीं जो सरकार के रूलों के खिलाफ जो सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। तो किस तरह से देखते हैं जो इसका जो असर होने वाला है, कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर होगा, क्योंकि ट्रक चालक अगर आंदोलन करेंगे, अगर ट्रकों खड़ा रखेंगे, कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी और जो अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा? देखो, महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी ना, मैं पहले कह रहा हूँ कि 70% आबादी ड्राइवर है, जरूरी नहीं ट्रक वाले भी है, टैक्सी वाले भी है, हमारे बसेज वाले, ये तो नहीं ट्रक वालों को ही फाइन पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे जो साथी अभी देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी आज चुप होकर बैठे हुए हैं, लेकिन जब उनकी गाड़ी कहीं टकराएगी तब उनको रियलाइज होगा कि क्या समस्या है। ये एकमात्र आंदोलन सिर्फ ट्रक यूनियन का ना समझे। मैं आपके मीडिया के माध्यम से उन तमाम ड्राइवरों से भी आग्रह करता हूँ, कृपया करके जो घर के साइड से बैठकर जो अभी न्यूज़ सुन रहे हैं, कृपया करके आप भी एकजुट होकर इनके आंदोलन में सहयोग दें, तभी जाकर समस्या का समाधान हो सकता है। और मैं आपके माध्यम से पहले कह रहा हूँ, 2024 के चुनाव सर के ऊपर है, सरकार से विनम्र निवेदन है, कहीं ये ड्राइवर सरकार को ना ले डूबे, इसलिए कृपया करके इस रूल को अतिशीघ्र जो है वो स्थगित कर दें।